बहुत सारे लोगों को सेप्टिक टैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सर सर सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन क्या होगा, सेप्टिक टैंक कहाँ बनाना है, साथ ही जो है उसका साइज क्या रहेगा, और सेप्टिक टैंक बनाते क्यों। देखते हैं कि बहुत सारे जहाँ पे आपका सीवरेज सिस्टम है जिस एरिया या टाउन में, वहाँ पे सेप्टिक टैंक लोग नहीं बनाते हैं, तो क्यों बनाना ज़रूरी है। और साथ ही क्या जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है ना ही ड्रेन सिस्टम है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक कैसे बनाए, और क्या वहाँ पे जरूरी होता है सोकपिट से उसको कनेक्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए जो आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि भाई सेप्टिक टैंक बनाना इम्पोर्टेंस क्यों है। जहाँ पे आपको जो है कि भाई इसका साइज से लेकर के डिज़ाइन हो गया और कैसे जो है इसको बनाना होता है, और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है जिससे क्या है कि प्रॉपर तरीके से आपका जो है सेप्टिक टैंक बन जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ इसका प्लान की बात कर लेते हैं। और हाँ, एक मन में क्वेश्चन एक और आता है कि भाई सेप्टिक टैंक में कितना पार्टीशन रहेगा, कितना उसमें जो है, जैसे कोई बोलता सर सिंगल में हो जाए क्या, क्या डबल या ट्रिपल, तो हम यहाँ पे सब कुछ का स्टैंडर्ड साइज बताएंगे। चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका सेप्टिक टैंक का प्लान। ध्यान दीजिएगा जरा सर, ये टॉप व्यू हम दिखा रहे हैं, हम इसका साइज भी बताएंगे सब कुछ A to Z। तो उससे पहले हम प्लान बनाने के बाद जो है अब इसमें कितना इसमें पार्टीशन इसको करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका प्लान, और इसी का अगर हम सेक्शन काटते हैं तो कुछ इस तरीके से सेक्शन मेरा रहेगा। वेट कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके मन में जो है वो स्किप हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे इस वीडियो में पूरी तरीके से बताया हो। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको हम थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। अब किधर से इनलेट होगा, किधर से आउटलेट होगा, सब कुछ का जानकारी मिलेगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि वह सेप्टिक टैंक हम क्यों बनाए। देखिए, आपका जो सेप्टिक टैंक अगर सीवरेज आपके एरिया में गवर्नमेंट के जो सीवरेज सिस्टम दिया हुआ है वहाँ पे आपको सेप्टिक टैंक बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपका बाथरूम से जो पाइप आएगा कनेक्ट हो जाएगा सीवरेज में। ठीक है, लेकिन और वहाँ पे वो ड्रेन सिस्टम भी देता है, लेकिन जहाँ पे आपका जो ना सीवरेज सिस्टम है ना ड्रेन सिस्टम है, वहाँ पे आपको जो है अपना जमीन पे खुद ही जो है सेप्टिक टैंक भी बनाना पड़ेगा और सोकपिट भी बनाना पड़ेगा। चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं, और हाँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि सेप्टिक टैंक में ही सोकपिट बना लेते हैं और एक अलग से सोकपिट जो किचन और नहाने का जो है अलग से बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आखिर क्यों बनाया जाए। डिजाइन की बात कर लेते हैं, प्लान हो गया और ये आपका सेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, हम साइज सेक्शन बनाने के बाद बताएंगे। तो ये आपका जो है तीन पार्ट में रहेगा, मतलब दो आपका जो है बफर वाल रहेगा। टॉप व्यू यहाँ पे है, इसका हाइट भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तीन पार्ट, एक दो और तीन। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे इधर से और यहाँ पे कुछ पाइप ऐसे जाएगा और यहाँ पे आउटलेट पाइप भी जाएगा। ठीक, ये हो गया इनलेट, पानी ऐसा इनलेट गया, और ये हो गया आपका आउटलेट। अगर इसका हम सेक्शन की बात करें तो जो रूफ है, जो इसके ऊपर जो छत ढलाई होगा, यहाँ पे मेन होल का हम साइज भी बताएंगे कितना है। छत ढलाई से आप मिनिमम 6 इंची लेकर चलिए। ठीक है, मिनिमम 6 इंची लेंगे, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, एक इनलेट पाइप। ये हो गया आपका इनलेट पाइप, इनलेट पाइप, इनलेट हो गया, जो कि आपका बाथरूम से जो भी मटेरियल आएगा इसमें आके गिरेगा। और साथ ही फिर यहाँ पे एक और ये वाला वाल जो है खरा वाल कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें क्या होगा कि वहां पे यहाँ पे जो है एक यहाँ पे ओपन रहेगा, और ये ओपन जो रहेगा आपका नीचे रहेगा, जैसे हम लोग खिड़की दरवाजा देते हैं ना, उसी तरह से ये वाल पूरा रहेगा, ये इनलेट से ये थोड़ा नीचे ही रहेगा, याद रहना चाहिए। इनलेट से जितना इनलेट है ये उतना 6 इंची टोटल, यहाँ से लेकर के 1 फीट इसको ले लीजिए,
छह इंच ये डेप्थ रहेगा ये वाला वाल, और नीचे में जो है पूरा ओपन रहेगा। अगर हम इसका इस साइड से व्यू दिखाएं तो कुछ, अगर ये मान लें मेरा वाल है तो कुछ इस तरीके से मेरा ओपन रहेगा, और ये रहेगा आपका 2 फीट इंटू 2 फीट का, ठीक है। यहाँ 2 फीट इंटू 2 फीट का नीचे में ओपन रहेगा इतना एरिया, ठीक है, और ये पूरा आपका क्या हो गया, वाल हो गया। यहां तक तो क्लियर है। तो यहां से फिर एक और वाल, जरा ध्यान दीजिएगा, एक और यहां पे लगभग 3 इंची ये ले लीजिए, इससे डेप्थ में 3 इंची मिनिमम, और ये पूरा वाल हो जाएगा, ये फुल वाल रहेगा, ये बफल वाल जो फुल रहेगा, जिसको पार्टीशन वाल बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ये वाला में पूरा आपका क्या रहेगा, देखिए इसमें क्या क्या भरा रहेगा। सबसे पहले मेटेरियल जो नीचे आएगा, ये क्या क्या पार्ट रहेगा, ये रहेगा आपका सलज रहा, ठीक है, और सलज रहा आपका पूरा हार्ड मेटेरियल, और इसके ऊपर में 3 पार्ट में रहता है ये आपका, इस सलज के बाद ये रहा इफ्लुएंट रहा, ठीक है, और सबसे ऊपर में जो रहेगा आपका, जो कि ओवरफ्लो होते हुए जो है इसमें आएगा, क्योंकि सलज जो है दो ही खाना में रहेगा, सलज इसमें रहेगा और इफ्लुएंट भी इसी में रहेगा दोनों में, लेकिन ओवरफ्लो होकर जब आएगा ये, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका स्कम आ जाएगा, इस सबसे टॉप में जो भरेगा ये आपका रहता है स्कम, SCUM स्कम, और इसमें सिर्फ स्कम रहेगा, ओवरफ्लो पानी रहेगा, इसमें सलज बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये जो है इसमें 2 इन 1 काम कर सकते हैं, इसमें आप चाहे इसको सोकपिट बना सकते हैं। सोकपिट क्या हो गया कि भाई कि ये सब जो है ये पूरा वाल प्लास्टर होकर के पनिंग हो जाएगा, ये भी प्लास्टर और ये जो है ओनली प्लास्टर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर प्लस पनिंग। अब बोलेंगे सर पनिंग क्या होता है, पनिंग जो है जो प्लास्टर करने के बाद उसके ऊपर घोला चढ़ाते हैं उसको पनिंग बोलते हैं, लेकिन ये जो है ओनली ईट दिखेगा, इसमें नो प्लास्टर नहीं करना, और कुछ कुछ जगह पे जो है ईट जुड़ाई नहीं रहेगा, तो जिससे क्या है कि आपका ये इसका जो है स्कम को जो है ये इसको सोखते जाएगा, ठीक है। तो तीन रहा, और अगर स्कम भर गया तब यहां पे आप एक जो है ओवरफ्लो पाइप दे सकते हैं, ये हो गया आपका आउटलेट, ठीक है, ओवरफ्लो पाइप। जब ये भर जाएगा तब आपको लगेगा हाँ चलो भर गया तब इसको निकालेंगे कैसे, यहां पे दो हम जो है ये देंगे मेन होल, एक यहां पे देंगे मेन होल, ठीक है। अगर टॉप की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका मेन होल, और ये जिसका साइज रहेगा 2 फीट इंटू 2 फीट का मेन होल क्लीनिंग के लिए है, और एक स्कम के लिए, यहां तो हो गया हार्ड मटेरियल, एक और जो है यहां पे दो मेन होल रहेगा, यहां पे आपका मेन होल रहा, ठीक। ये हो गया आपका सेप्टिक टैंक का डिजाइन, एक स्टैंडर्ड, नहीं तो बहुत लोग सिंगल भी बना लेते हैं, बहुत लोग जो है डबल पार्टीशन करते हैं, डबल पार्टीशन करेंगे बस इतना ही करेंगे। और अब जो है इसको जो सोकपिट है, ठीक है, सोकपिट को बहुत लोग जो क्या करते हैं इसको भी जो है स्कम बना देते हैं, और एक जो है अलग से जो है सोकपिट बना देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस सोकपिट का क्या काम है, अगर ये नहीं बनाए हैं तो आपको जैसे दो ही खाना का है तो आपको एक सोकपिट बनाना पड़ेगा, जिसको जो है हम लोग सोखता गड्ढा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस सोकपिट अगर ये बनाते सारा बाथरूम का पानी इसमें आ गया टॉयलेट का, लेकिन और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें जो है इसको इसमें आपका आता है बाथ वाटर, किचन वाटर, ये दो वाटर जो है इसमें आता सोकपिट में, ठीक है। सोकपिट तो बनाना ही पड़ेगा अगर आपका ड्रेन सिस्टम नहीं है, या नहीं तो अगर ये नहीं बनाया तो इसको डायरेक्ट आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो है यहां से कनेक्ट हो जाएगा, तो सोकपिट बनाना जरूरी है। तो डिजाइन हो गया आपका क्लियर किस हिसाब से रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी साइज को लेकर के, हम ऑन एन एवरेज एक साइज लेकर चलते हैं, अगर 10 मेंबर है एक घर में तो स्टैंडर्ड साइज, जो हम इनर साइज की बात करें आउटर की नहीं, इसका स्टैंडर्ड साइज होगा आपका
आठ फिट इंटू चार फिट इंटू छः फिट, ये आपका स्टैंडर्ड साइज रहा आपका। अब आठ फिट क्या है आपका, ये देखिए ऐसे रहता सेप्टिक टैंक आपका। आठ फिट हो गया आपका लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट, ये हो गया आपका आठ फिट। ब्रेथ कितना है, चार फिट, ये अंदर अंदर की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक का, ना कि बाहर बाहर का, चार फिट ये अंदर अंदर की। और हाइट जो है ये बता रहा हूं मैं, यहां से टोटल यहां तक, फ्लोर से फ्लोर तक छह फिट का रहेगा, आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और यहां से ये छह इंची छत के से नीचे छह इंची जो है इनलेट जाएगा, फिर ये जो है आपका छह इंची नीचे रहे तो कितना हो जाएगा, एक फिट हो जाएगा, और ये तीन इंची नीचे दीजिए जिससे कि ये पानी ओवरफ्लो होगा, तो ये सलज इफ्लुएंट और स्कम आएगा, स्कम होते हुए जो है ये इसमें आ जाएगा, और ये फिर यहां से आउटलेट होगा, तो आप वहां पर दिख जाएगा कि पानी भर गया। अब क्या कि सोक पिट जो मैं आपको बता चुका हूं, सोक पिट बनाना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। अगर क्योंकि अगर आप सिर्फ सेप्टिक टैंक बना देंगे तो वो आपका सेप्टिक टैंक पूरी जो है वाटर प्रूफ रहता है, ये कभी भी जो है आपका पानी को सोखता नहीं है। इसके लिए जो है ये बनाया जाता है जिसमें जो आपका ब्रिक पूरा भर दिया जाता है इसका, तो उसको जो है वो रेड ब्रिक सोखते रहता है ठीक है। और नीचे भी जो इसका जो है कुछ जगह होल कर दिया जाता है, जिससे कि भाई की दीवार समय भी जो है कुछ जगह कम से कम 10 से 15 जगह जो है आपका ईट जुड़ाई नहीं होता है, तो ये पूरा स्कम को जो है इधर का मिट्टी जो है सॉइल सोखते रहता है, ठीक है। और सोक पिट का तो कहानी वही है, ये पूरा यहाँ भी सब जगह जो है ओपन रहेगा, एक ईटा नहीं रहेगा, तो जिससे क्या है कि ये भी जो है पानी सोक पिट का जो अंदर का जो पानी आएगा ये सॉइल सोखेगा इसको, ठीक है। तो ये एक तरीका है, और नीचे भी उतना पीसीसी करने की जरूरत नहीं होती, तो नीचे भी उसका सॉइल सोखते जाता है, तो सोक पिट का आपका हो गया। तो सोक पिट बनाना जरूरी है, और सेप्टिक टैंक के साथ जिसमें जो है बाथरूम और किचन का पानी इसमें आ सके, ठीक है। और इसका अगर ये बना दिया, इसका इसमें सेप्टिक टैंक के साथ सोक पिट बना दिए, तब इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें सिर्फ इस दोनों का पानी आएगा। तो सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए जरूर इसको जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक और चीज़, हाँ, इसको तीन भाग में जो हम डिवाइड करने के लिए बोले थे, आठ फिट है तो आपका तीन भाग में जो डिवाइड होगा लगभग ये यहाँ से यहाँ तक जो है 2.5 फीट हो जाएगा, ढाई ढाई फीट का ये आपका हो जाएगा 2.5 फीट, और ये आपका लमसम जो है 2 समथिंग फीट बचेगा आपका, अगर आठ फीट टोटल है तो ये, ठीक है। क्योंकि पार्टीशन बीच में जो है चार चार इंची का रहेगा, चार इंची और चारों साइड से जो रहेगा आपका 10-10 इंची का ये आपका वाल रहेगा, ठीक। और जहाँ पे गड्ढा खोदते ही 7 से 8 फीट में पानी निकलने लगता है, उस जगह पे जो है कभी भी जो है ये ब्रिक का मत कीजिएगा, ये ब्रिक का है, और उसके जगह पे अगर वाटर लेवल बहुत नीचे है तब ब्रिक का कीजिए। अगर 4 से 5 फीट चाहे 10 फीट तक भी गड्ढा खोदे पानी आ जा रहा है, और बरसात में पानी और ऊपर आ जा रहा है, वहां पे जो है आरसीसी का टैंक बनाना है, मतलब ये सारा वाल जो रहेगा आपका आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही था, पसंद आया कि नहीं वीडियो, सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाए, उसको आप क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बच जाता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द एक वीडियो भी लेके आ रहा हूँ जिसमें क्या है, वे सेप्टिक टैंक बनाने जा रहे हैं, तो भाई उसमें विथ मटेरियल कितना खर्च पड़ेगा, तो इंतजार जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द आएगा, आपको देखने को मिलेगा ये वीडियो, ठीक है दोस्तों।